दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने बीफ खाने का ऐलान करने वाले बीजेपी के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू विपक्षी नेताओं को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते नजर आए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए हिंदुत्व और हिंदुत्व का हवाला देते हुए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया तो पब्लिक ने उन्हें गौमांस खाने वाला बताकर उनके फर्जी हिंदुत्व प्रेम की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर को भूतपूर्व मंत्री महोदय ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, मुझे समझ में नहीं आता कि श्री अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा का पूरा गिरोह हिंदुत्व और हिंदुत्व से दिन नफरत क्यों करता है। मैं राहुल गांधी के बारे में तो समझ सकता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने अपने अन्य ट्वीट में भी सेकुलर की नई परिभाषा गढ़ते नजर आए हैं। किरण रिजिजू के इस ट्वीट पर विपक्ष सहित तमाम यूजर्स टूट पड़े हैं और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सनेत ने रिजिजू के इस ट्वीट पर दो रुपल्ली वाला ट्रोल बताते हुए लिखा, गजब बेरोजगारी है देश में, खुद कानून मंत्री भी ट्रोल बने हुए हैं, दो रुपए आपके खाते में क्रेडिट हो गए कि नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही यूजर्स ने किरण रिजिजू का वो स्टेटमेंट भी वायरल करा दिया है जिसमें उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को जवाब देते हुए कहा था, मैं गोमांस खाता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। दोस्तों, सोचने वाली बात, आप स्वयं भी विचार कीजिए, क्या कोई हिंदू गाय का मांस खाने की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार में मंत्री रह चुके रिजिजू न सिर्फ गोमांस खाते हैं बल्कि इसका खुल्ला खुल्ला ऐलान भी कर देते हैं और आज रिजिजू साहब विपक्षी नेताओं को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। फिलहाल ऐसे में विपक्ष और जनता ने मंत्री साहब के पाखंड को उजागर करते हुए उनके हिंदुत्व के ठेकेदारी का लाइसेंस ही फाड़ कर रख दिया है। एक यूजर लिखते हैं, अब ये हिंदू हिंदुत्व डायलॉग पुराना हो चुका है, नहीं चलने वाला, 8 साल से सुनते आ रहे हैं। हिंदू की इतनी ही चिंता हो तो हिंदुओं को ही दे दो 50 रुपए पेट्रोल, 400 रुपए का सिलेंडर, बाकी लोगों को मत दो, हिंदू हित में इतना ही कर दो। खुद बीफ खाते हैं और ज्ञान हिंदुत्व पर दे रहे, कमाल है ना। क्यों भाई, ठेका लिया है हिंदुत्व का तुमने और तुम्हारी पार्टी ने। राहुल गांधी को सीख मत दो, खुद बीफ खाना छोड़ दो। वैसे ना निर्मला ताई का वित्त मंत्री होना समझ आता है और ना तुम्हारा कानून मंत्री होना समझ आता है। ओ हिंदुत्व धर्म के सो काल ठेकेदार, पहले खुद के अंदर झांक के देखो, फिर दूसरों को सर्टिफिकेट दो।